सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। मोदी सरकार ने राज्यसभा में जिस तरीके से 3 तलाक विधेयक को पास कराया उससे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत न होने के बाद भी मोदी ने 3 तलाक पर विपक्षियों को कैसे राजी किया, अब इस बात से पर्दा उठ गया है। मोदी ने 7 सदस्यों वाले विसद का समर्थन हासिल करने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को व्यक्तिगत रूप से फोन किया। उन्होंने अन्नाद्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात कर कहा कि यदि वे इस विधेयक का समर्थन नहीं करते हैं तो अपने सदस्यों को इस पर वोटिंग के समय राज्यसभा का बहिष्कार करने का निर्देश दें। 11 सदस्य अन्नाद्रमुक ने इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन वोटिंग के समय उन्होंने वही किया जो पीएम ने उनको बताया था। वहीं राकपा ने राज्यसभा के अपने 4 सदस्यों को इस विधेयक के मामले में व्हिप जारी नहीं किया था। यहां तक कि मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और उन्होंने कहा कि यदि जदयू सांसद इस विधेयक का समर्थन नहीं करते तो सदन का बहिष्कार करें, और ठीक वैसा ही हुआ। साथ ही उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से भी इस विधेयक का विरोध नहीं करने के लिए कहा था। बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू के राज्यसभा के 4 सांसदों को तोड़ लिया, जिससे चंद्रबाबू नायडू काफी नाराज भी हुए थे। इस तरह से चंद्रशेखर राव को भी पीएम मोदी ने फोन कर समर्थन की अपील की थी। वहीं कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के कई सांसद भी गैर मौजूद रहे, जिस कारण राज्यसभा की क्षमता 240 से घटकर 184 पर सिमट गई, जिसके कारण मोदी सरकार को बिल कराने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई और ये बिल पास हो गया। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अधिक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।